हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेमी फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बैक नेक बनाएंगे जो कि ब्यूटीफुल सा होगा और डीप बैक नेक बनाएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फ्रेंड, ये कुर्ती को मैंने पहले से ही कट कर रखा है। तो अब हमने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, ये देखिए, और इसकी लंबाई और चौड़ाई अभी मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, इसकी लंबाई ली है मैंने, ये देखिए इसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली है और इसकी चौड़ाई ली है, ये देखिए इसकी चौड़ाई ली है मैंने 12.5 इंच। और अब इसको फोल्ड कर लेंगे हम और अब इसके ऊपर मार्क करते हैं। ये देखिए, हम यहाँ से नीचे से हम लेंगे 4 इंच और इसकी ब्रॉडनेस यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच और इसको हम बॉक्स तैयार कर लेते हैं पहले। और इसको गोल शेप दे देंगे हम। और अब यहाँ से हम लेंगे अपने नेक का, जो हम नीचे डीप नेक बनाएंगे वो हम तैयार करेंगे 13 इंच पर। यहाँ से 13 इंच पर होगा हमारा और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच में यहाँ से, और यहाँ से लेंगे हम इसके बीचों बीच लेंगे हम 3.5 इंच और यहाँ से हम गोल करते हुए इसको इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे, मटका शेप दे देंगे हम। ये देखिए इस तरह से इसको शेप दे देंगे हम। और अब इसके बाहर से हम 1-1 इंच का मार्क करेंगे, पूरे में लगा देंगे ये नाप 1-1 इंच का। ये लाइट कलर है, थोड़ा सा मैं डार्क ले लेती हूँ इसमें। कि फ्रेंड, ये हमने इसको डार्क कर दिया है, पहले लाइट कलर था तो इसको हमने डार्क कर दिया है और 1-1 इंच हमने ये एक्स्ट्रा में ले लिया है। और अब इसको हम दोनों साइड से कट कर देंगे इस तरह से, जो हमने निशान लगाए हैं हम उसके ऊपर से कट कर लेंगे, जो हमारा बाहर का साइड से है निशान उसके ऊपर से कट करेंगे और उसके बाद हम अंदर वाले कट के ऊपर से कट लगाएंगे। ये देखिए, अब अंदर के साइड से लगा लेंगे और इस तरह से हमारा नेक कट हो जाएगा। फ्रेंड, ये हमारा कट चुका है नेक और ये हम अपने फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे और फिर बाद में फोल्ड कर लेंगे इसको। ये हमारा नेक है, इसको हमने पहले प्रेस से चिपका लिया है और उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसको हम फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई कर रहे हैं, पूरे में इसी तरह से कच्ची सिलाई कर लेंगे हम। फ्रेंड, ये हमने इसको साइड में से कच्चा कर लिया है, बाद में हमारा हैंड स्टिच होएगा जब हमारा नेक तैयार हो जाता है। तो ये हमने प्रेस से इसको चिपका लिया था और उसके बाद यहाँ से हमने कच्ची सिलाई लगा दी है और अब इसके बाद हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे। तो हम अंडरग्राउंड डोरी लगा लेते हैं, तो इसको हम अपने उल्टी साइड लेंगे और ये देखिए इस तरह से दोनों साइड पर, ये देखिए इस तरह से जो हमारे कोने हैं, ये देखिए यहाँ से, यहाँ से ये हमारे कोने हैं, तो हम यहाँ पर ये डोरी लगाएंगे और सिलाई लगा देंगे पक्की वाली इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम पक्की वाली सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। ये हमने डोरी लगाई है, ये अंडरग्राउंड लगाई है और इसके बाद लटकन हम लास्ट में लगाएंगे अपने नेक बनने के बाद, ताकि वो बीच में अड़चन ना आए, इसलिए हम लास्ट में लगाएंगे सबसे लास्ट में। ये हमने डोरी लगा दी है, ये देखिए, ये हमने इस साइड से अपने ये नोक निकाल दी है, ये देखिए। और अब हम अपने कुर्ती के अंदर अटैच कर देंगे इसको। ये जो हमने नोक लगा रखा है, जो बीचों बीच हम ऐसे करके नोक लगा लेते हैं, ये देखिए इसका नोक निकाल लेते हैं इस तरह से और यहाँ पर हम कैंची से इसकी नोक निकाल देंगे
तो मैंने दोनों की कुर्ती और इसकी दोनों की नोक निकाल रखी है और इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ इसके बराबर बराबर हम सिलाई लगा देंगे। और इसको पहले आलपिन से कच्चा कर लेंगे हम, ताकि ये हमारा इधर उधर फिसले ना, क्योंकि हमारी सिल्की कपड़ा है तो इधर उधर फिसल जाएगा। तो इसको बिल्कुल सेट कर देंगे हम आलपिन से। ये फ्रेंड, ये हमने आलपिन से बिल्कुल सेट कर लिया है और अब हमारे जो पेस्टिंग है इसके बिल्कुल बराबर बराबर से हम सिलाई लेके आएंगे और ये जो हमारी डोरी है उसको बिल्कुल अंदर की साइड हम इस तरह से दबा के रखेंगे। अगर ये बीच में आ जाएगी तो दिक्कत आएगी, तो इसको भी हमें सेफ्टी रखना है। तो अब इसको हम बराबर बराबर सिलाई लगा देते हैं। बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, नोक निकाल देंगे हम। ये देखिए, यहाँ से हमने जो डोरी लगाई थी वहाँ से हम पक्का कर देंगे और इसके ऊपर नहीं चढ़ानी हमें सिलाई। ये देखिए, मशीन को हम बिल्कुल इसके बराबर बराबर चलाना है और साथ में हम अपने सूट को भी ठीक करते जाएंगे, नहीं तो हमारी प्लेटें डल जाती हैं, ऐसे सलवटें आ जाती हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल साथ में ठीक करते जा रहे हैं। ये देखिए, इसके बाद हम अपने नेक को कट भी कर देंगे। नेक को कट कर देंगे और उसके बाद हम छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे, जिससे हमारे पलटने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ये देखिए, कट करने के बाद हमने छोटे छोटे नोचेस लगा दिए हैं और अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए, डोरी से हमारी नोक निकल जाती है, ये देखिए। और इसके बाद इसको हम प्रेस से जमा लेंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए और उसके बाद एक एक सिलाई लगा देंगे हम। ये देखिए, और इसके बाद ये हमने सिलाई भी लगा दी है ताकि अच्छे से दब जाए और इसके बाद हम अपने पाइपिंग लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमने अपने नेक को पलट दिया है और इसके ऊपर एक सिलाई भी लगा दी है ताकि ये हमारा दबा हो जाए। तो इसको हमने, ये देखिए, ये हमने अंडरग्राउंड लगाई है। ये मैंने लगाने का तरीका आपको बताया है कि कैसे लगाते हैं इसको अंडरग्राउंड। और अब इसमें हम अपनी जो थ्रेड वाली पाइपिंग होती है, मैंने इसका पहले वीडियो बनाया हुआ है कि थ्रेड वाली पाइपिंग कैसे बनाते हैं, तो इसको हम लगा देंगे अपने नेक के अंदर। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम अपने पाइपिंग को नीचे रखेंगे और इसके ऊपर ऊपर हम थोड़ा सा पुल करेंगे इसको और थोड़ा सा हल्के हाथों से खींचते हुए अपनी पाइपिंग लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये कितनी फिनिशिंग के साथ लग रही है, ये देखिए। और पाइपिंग लगाने के बाद बिल्कुल ग्रेस आ जाती है हमारे नेक में, ये देखिए। और इस तरह से हम नोक निकाल देंगे, ये देखिए। आप सुई को अंदर रखेंगे, जो हमारी नीडल है इसको नीचे रखेंगे और फिर हम घुमा देंगे। इस तरह से हमारी नोक तैयार हो जाती है, ये देखिए, इस तरह से जो मैंने दिखाया हुआ है अभी। ये देखिए इस तरह से हमारी परफेक्ट नोक तैयार होती है। ये फ्रेंड, ये हमारी पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ लग चुकी है, ये देखिए। और अब हम इसमें लेस लगाएंगे, ये देखिए, ये लेस लगाएंगे हम, और इससे हमारा हैवी गला तैयार हो जाएगा और बिल्कुल डीप होगा। तो इसमें फ्रेंड हम शोल्डर लेते हैं, जितना हमारे वैन के अंदर लेते हैं शोल्डर, जितना हमारा, हमने इसमें 7.5 इंच में शोल्डर लिया है। तो आप भी जितना आपका शोल्डर होता है उतना ही लीजिए। जैसे हम डीप नेक में 5.5 या 6 लेते हैं, उतना नहीं लेना है क्योंकि ये हमारा ऊपर से बंद हो जाता है, तो इसलिए इसका ज़्यादा लेना होता है। और अब इसमें हम लेस लगा देते हैं। ये हमारी पाइपिंग के बिल्कुल बराबर बराबर से हम अपनी लेस लगाते जाएंगे, ये देखिए, ताकि हमारी पाइपिंग के भी ग्रेस आती रहे और हमारी लेस की भी, ये देखिए। और इस तरह से, ये देखिए, हमने कोण निकाल दिए इसकी, इस तरह से फोल्ड कर देंगे हम, ये देखिए, इस तरह से हमारी कोण निकल जाएगी।
लेस की, और इस तरह से ये देखिए ये मोड़ दिए मैंने, ये देखिए ये राउंड शेप में हमारे अच्छे से मुड़ जाएगी। ये देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल नज़र आ रही है हमारे लेस लगने के बाद। इस तरह से हम अपने लेस को राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए नेक के राउंड शेप में कितनी ब्यूटीफुल नज़र आ रही है, ये देखिए इस तरह से। ये हमारी बिल्कुल घुमावदार लेस हैं, ये देखिए इसकी सेकंड लेयर भी हम लगा देंगे बाद में, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी है तो इसमें डबल सिलाई लगेगी। एक सिलाई हमने इसके ऊपर से लगा दी है, ये देखिए लेस कितनी ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। और अब इसके बराबर बराबर दूसरी सिलाई और लगाएंगे हम, ताकि हमारा दूसरा किनारा भी दब जाएगा और फिर ये दब जाएगी हमारी लेस। तो अब इसको यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। इसके किनारे किनारे पे चलाएंगे हम। फ्रेंड ये हमारा नेक रेडी हो गया है। ये लेस लगाने के बाद कितना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है और इसकी शेप कितनी प्यारी है ये देखना। और अब इसमें हमारे लटकन लगाने बाकी हैं, तो वो मैं इसके बाद में लगाकर आपको फाइनल लुक आपको दिखा दूँगी। तो फ्रेंड आपको ये कैसी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक, और नेक के अंदर मैंने लटकन लगा दिए हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा नेक। ये देखिए कुर्ती पहनने के बाद पूरा लुक इसका कितना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है, ये देखिए। और अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आती है और हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।